हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन। मैं हूँ सोनम और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो सो फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारे सभी भारतीय नागरिक को कुछ मूलभूत अधिकार के साथ साथ कुछ मूलभूत कर्तव्य भी मिला है, मैं अब इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो हमारा पहला पॉइंट है कि हम संविधान को अच्छी तरीके से पालन करना चाहिए, उसको सम्मान रखना चाहिए। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि सीबीआई, सीआईडी, इसरो, ये सबको हमें सम्मान देना चाहिए। और राष्ट्रीय गान जैसे कि जनगण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ये सबको हमें सम्मान करना चाहिए। तो हमारा सेकेंड पॉइंट है कि जो स्वतंत्र संग्रामी थे, वो लोग जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाते थे, उससे हम प्रेरणा दें। जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उससे हमें विचार और आदर्श को पालन करना चाहिए। और अगर कोई कानून ऐसा बनता है कि हमारे मूलभूत अधिकार के विरुद्ध जाता है, तो हमें उसे आंदोलन करेंगे, लेकिन अहिंसा से पूर्वक। हमारा तीसरा पॉइंट यह है कि हमारे देश के जो सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी यानी सार्वभौमता, एकता और अखंडता है, उसे हमें सपोर्ट करना चाहिए और उसे सुरक्षा देना चाहिए। हमारा चौथा पॉइंट है, अगर किसी भी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि हमारे देश को आवश्यकता पड़े, तो हमें उसके लिए बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ हमें उससे जुड़ना चाहिए। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि हमें भारत के बहुत सारे लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म के रहते हैं, तो हमें उसके साथ बिना भेदभाव के साथ हमें उनके साथ भाईचारे के साथ रहना है, विविधता को भूलकर। ऐसा कानून हो जो महिलाओं के गौरव के प्रति हनन हो रहा, तो उसे हमें परित्याग करना चाहिए। अगर हमारा छठा पॉइंट है कि जो हमारे देश का समृद्ध विरासत है, उसे हमें रक्षा करना चाहिए। अगर कोई उसे नष्ट कर रहा हो, तो उसे हमें रोकना चाहिए और उसे समझाना चाहिए। हमारा सातवां पॉइंट है कि हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जंगल, सरोवर, नदी, ये सब है, उसे हमें रक्षा करना चाहिए, ना कि उसे गंदा करना चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण दूषित होता है। तो हमारा आठवां पॉइंट है कि हमें मानववाद बनना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हिसाब से चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि अंधविश्वास के हिसाब से। अगर कोई अंधविश्वास होता है, तो कोई अगर पालन करता हो, तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए, उसे रोकना चाहिए। हमारा नौवां पॉइंट है कि सार्वजनिक संपत्ति जैसे कि स्ट्रीट लाइट हो गया, गार्डन हो गया, रोड, ये सब वगैरह को हमें सुरक्षा देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई नागरिक आकर उसे तोड़ फोड़ रहा हो, तो उसे हमें रोकना चाहिए। तो हमारा दसवां पॉइंट है कि हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, ताकि व्यक्तिगत हो जाए कि सामूहिक हो जाए, उससे हमें आगे ही आगे बढ़ना चाहिए और देश का नाम रोशन करना चाहिए। हमारा ग्यारहवां पॉइंट है, ये सभी अभिभावकों का कर्तव्य है कि उनको बच्चों को 6 साल से 14 साल तक उन्हें कंपलसरी पढ़ाना चाहिए, उनको बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि वो लोग भविष्य में अच्छे नागरिक बन गए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी क्लिक कीजिए। और इस वीडियो को लाइक, कमेंट कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।